कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र द्वारा स्थानीय पंचायत भवन में जल संरक्षण मेले का आयोजन किया गया। मेले में जिला भर से पहुंचे हजारों की संख्या में किसानों ने फसलों में जल संरक्षण के बारे में जाना। इस कार्यक्रम में थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इससे पहले विधायक के यहाँ पहुँचने पर कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रद्युमन भटनागर, डॉक्टर हरिओम, डॉक्टर जे एन भाटिया, डॉक्टर प्रेमलता, डॉक्टर फतेह सिंह व खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर विनोद वर्मा ने पुष्प गुच्छ देकर विधायक सुभाष सुधा का स्वागत किया। विधायक सुभाष सुधा ने किसानों को संबोधन में क्या कहा, आइए सुनिए। प्रधानमंत्री जी के मन के बात को आज आपके बीच को लेकर आए तो सरकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वाटर से पानी की हमें सबकी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर पानी नहीं होगा तो बच्चों में आज से 30 वर्ष के बाद अगर युद्ध होगा तो पानी का युद्ध होगा। इसके लिए आज प्रधानमंत्री जी ने भारत का हमें मार्गदर्शन दिया। मैं तो ये कहूंगा कि आज के जो हाल है, किस प्रकार से हम दो मेन फसलें एक जो फसल को हम अदा करते हैं और आज के जो हमारी देश की आबादी है उसके लिए लक्ष्य भी है, लेकिन जो हम झीलों की फसल का उपयोग करते हैं उसके लिए 3 से 5 हजार क्यूसेक पानी की जरूरत पड़ती है और उसके कारण जा रहा है। और ये जो आयोजन है ये जल शक्ति अभियान के ऊपर है। आज जो हमारे ज़िले की जो पानी की स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है और हर साल हमारे ज़िले का जो पानी है वो 4 फुट प्रतिवर्ष की दर से नीचे जा रहा है। अगर ये ऐसे ही दर नीचे गिरती रही, पानी नीचे जाता रहा, तो वो समय दूर नहीं है जब हम पीने के पानी के भी मुहताज हो जाएंगे। और इसी चीज़ को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसको पूरे राष्ट्र में एक अभियान के तौर पे शुरू करा है, जल शक्ति अभियान के तौर पे। इसमें हमारे हरियाणा के 15 ज़िले हैं और पूरे भारतवर्ष के लगभग 253 इसमें ज़िले शामिल हैं जिसमें इस अभियान को शुरू किया गया है। इसके तहत हम गांवों में, स्कूलों में जागरूकता अभियान कर रहे हैं और किसानों को ऐसी खेती की तकनीक की जानकारी दे रहे हैं जिससे पानी की कम ज़रूरत पड़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बचत करें। मैं डॉक्टर प्रद्युमन भटनागर, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी।